हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा, और दो कटी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का चला लेंगे। अब 1.5 कप टमाटर लेंगे। हमने इसको बड़े पीसेस में ही चॉप किया है क्योंकि लास्ट में हमें इसे ग्राइंड करना है। अब इसमें लगभग 1/2 कप पानी डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट हो गए हैं, अब इसको खोलकर चला लेंगे। देखिए टमाटर हल्का पक चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही पीसना है। ये पीस चुका है, अब हम उसी कढ़ाई में पेस्ट को डाल देंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालकर मिला लेंगे। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से बॉईल होकर गाढ़ा हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। काफी लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, ये उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये बिना प्याज और लहसुन की बनी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।